गोंडा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोंडा सदर विधानसभा और कर्नलगंज में आयोजित दो जनसभा को संबोधित कर जिले की चार विधानसभाओं में सदर मनकापुर, तरबगंज व मेहनौन विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। मंच से संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ, बड़े नेता बड़े झूठ और सबसे बड़े नेता सफेद झूठ बोलते हैं। महंगाई वाला दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिस घर में बेटा बेरोजगार हो उस परिवार का दर्द सिर्फ परिवार वाले लोग ही समझ सकेंगे। भाजपा वाले संविधान से मिले अधिकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। गरीबों को राशन दे रही है भाजपा। ये राशन केवल नवंबर तक मिलना था, फिर चुनाव देखकर मार्च तक कर दिया गया। अब दिल्ली वालों को पता है कि बाबा सीएम को लौटना नहीं है, इसलिए उन्होंने भी इसके लिए बजट में पैसा नहीं दिया। ये केवल साइक्लोन नहीं है, साइकिल इस बार अकेली नहीं है, साइकिल की वजह से साइक्लोन चल रहा है, साइक्लोन। ये जो बाबा मुख्यमंत्री कभी कभी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, अगर वो यहाँ आ जाए गोंडा में तो इस बार उनके लोग भाप निकाल देंगे, भाप। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनके कार्यकर्ता पहले ही चरण से ठंडे पड़ गए हैं, और जैसे जैसे वोट पड़ रहा है वो सुन्न होते जा रहे हैं, गाड़ियों से झंडे उतरते जा रहे हैं, घरों से झंडे उतरते जा रहे हैं, लापता हो गए इनके नेता, अदृश्य होते चले जा रहे हैं। जनता के बीच में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। ये छोटे मोटे माफिया जो ईंट गिरवा करके कॉलेज बनवा लिए, घबराते तो नहीं हो? और बता दो, ये सरकार भी समाजवादियों की बनने जा रही है। आने वाले समय में भगवान कृष्ण जी की जयंती पर छुट्टी करने का काम, उनको सम्मान देने का काम करेंगे। बीजेपी के लोगों ने संस्कृत विद्यालयों को बंद कर दिया है, संस्कृत विद्यालय में नहीं पढ़ाई जा रही है, उन गुरुओं को जो सम्मान दिया था वो भी छीन लिया गया है। सरकार बनेगी तो संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए और अपने संस्कृत के पढ़ाने वाले गुरुओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी पहले की करे और उनकी मदद करने का काम करे। और झूठ बोल रहे और जो उनके बड़े नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो बताओ सफेद झूठ बोल रहे कि नहीं बोल।